नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सपने सुहाने NS+24। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, यदि आपको सावन के महीने में मरा हुआ सांप दिखता है तो इसका क्या अर्थ होता है। सावन के महीने में मरा हुआ सांप दिखने का क्या अर्थ होता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। सावन के महीने को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है और सांप भगवान शिव को काफ़ी प्रिय होते हैं, इसीलिए सांप को वो गले में धारण करके रखते हैं। सावन के महीने में ही नाग पंचमी होती है जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव के भक्त भगवान को खुश करने के लिए सावन के पूरे महीने पूजा आराधना करते हैं। लेकिन यदि आपको सावन के महीने में मरा हुआ सांप दिख जाता है तो इसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों, वैसे तो यदि आपको जिंदा सांप दिखता है, यदि आपको कहीं जाते हुए या फिर आपके घर में दिखता है तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि आपको मरा हुआ सांप दिख जाता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी है। मरा हुआ सांप देखने का अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपको किसी कार्य में बाधा आ सकती है। मरा हुआ सांप देखना आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी को भी दर्शाता है, इसलिए ये अच्छा नहीं होता है। यदि आपको दिख जाता है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, मंदिर जाएं, उन्हें जल अर्पित करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।